किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना, जैसे एक आरओ सिस्टम होता है आपके पानी को, पीने वाले पानी को साफ करता है, उसी तरह किडनी आपके ब्लड को साफ करती है। आप जो दिन भर चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ या कचरा जमा हो जाता है। आपकी किडनी का काम है कि उस ब्लड को फिल्टर करे। जो फिल्टर्ड ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है और जो गंदगी है वो यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा किडनी के बहुत सारे काम हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लड को बनाने का ऑर्डर देना और विटामिन डी का रेगुलेशन है और काफ़ी सारे काम हैं, पर जो मेन किडनी का काम है वो है ब्लड को फिल्टर करना। मेरा नाम मुद्रिका गहलोत है, मैं जोधपुर से हूँ। एक नॉर्मल सी चीज़ थी कि जब रेगुलर चेकअप हो रहा था मेरे घर में, जो हमारे डॉक्टर हैं फैमिली डॉक्टर, वो आए थे मेरे दादा दादी को देखने के लिए। तो जस्ट एज आउट ऑफ नो वेयर हम लोगों ने सोचा कि चलिए डैड का भी साथ में हम लोग बीपी ले लेते हैं। बट एक रैंडम चेकअप में वी गॉट टू नो कि इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, दैट इज़ नियरली इट वॉज 200+, 210 और समथिंग, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मेरा नाम महेश गहलोत है, मैं टेबल टेनिस प्लेयर रह चुका हूँ, मैंने 8 नेशनल्स खेल चुका हूँ, मैंने स्कूल नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है और बिल्कुल फिट था मैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे डैड नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा फिट है, इतनी ज़्यादा इम्यून पावर उनके अंदर है कि कभी पता ही नहीं चला कि उनके अंदर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं ड्यू टू बीपी। चाहे आप उसमें फेंट हो, चाहे आपके बॉडी स्वेलिंग हो, चाहे आई स्वेलिंग हो, कभी ऐसा कुछ पता ही नहीं चला था। तो वी नेवर गॉट टू नो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे डैड को। किडनी फेलियर बहुत ही नॉन स्पेसिफिक बीमारी है, इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे हार्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को चेस्ट में, छाती में दर्द होता है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, सांस नहीं आता है, लेकिन किडनी फेलियर के केस में सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जब तक किडनी 50% तक काम कर रही है तब तक पेशेंट को कोई भी शारीरिक लक्षण नहीं आता है। यही किडनी फेलियर की एक अच्छी बात है कि हमारे पास, हमारे शरीर में भगवान ने इतना रिजर्व दिया है कि 50% तक किडनी फेल होती है तो हमारा शरीर अच्छे तरीके से चल सकता है। और यही एक ख़राब बात है कि जब तक 50% फेल नहीं हो जाती हम उसका इलाज नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमें कोई शारीरिक परेशानी नहीं होती। सो द फर्स्ट चेकअप जो भी हमारा हुआ था उसमें डिटेक्ट हो गया था कि डैड की दोनों किडनी ऑलमोस्ट 90% डैमेज हो चुकी है। उस दौरान हमने सोचा कुछ करने का, तो मेरा डायलिसिस चला 6 महीने के लिए। फिर सोचा कि डायलिसिस से काम चलेगा नहीं, डायलिसिस में कमजोरी आ जाती है, काफ़ी परेशानी होती है। डायलिसिस क्या होता है? ब्लड को आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे एक मशीन में घुमाया जाता है जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर किया हुआ ब्लड आपके शरीर में वापस डाला जाता है। पर ये एक इंटरमिटेंट प्रोसेस है। एक आपकी नेचुरल किडनी है जो कि आपके शरीर में 24 आवर जैसे जैसे कचरा इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे उसको क्लीन कर रही है, और एक डायलिसिस का प्रोसेस है जब आप 2 दिन में 3 दिन में एक बार जाते हैं अपने ब्लड की सफाई करवा के आते हैं। तो एक बहुत कॉमन सी लॉजिकल चीज़ है, जो चीज़ 24 आवर्स 24x7 काम कर रही है और एक चीज़ 3 दिन में 1 बार आपके घर की सफाई हो रही है, तो क्या बेटर ऑप्शन है? तो जब डायलिसिस का टाइम आने वाला होता था या जिस दिन डायलिसिस होता है वो 4 घंटे के लिए होता है, एक ही जगह पे एक इंसान को आपके बॉडी में एक पॉइंट पे वो सुई जाती है, आपका ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो एट दैट पॉइंट उस दिन डैड का फेस बिल्कुल डल हो जाता था। आई मीन बिल्कुल पतले से हो गए हैं, फेस में कोई रौनक नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ, मतलब वो बिल्कुल ही हमसे भी थोड़ा दूर हो जाते थे, चिड़चिड़ा हो जाना। फिर जिस दिन आपका डायलिसिस होगा उससे एक दिन पहले ये हालत हो जाती है कि वो उसी बारे में सोचने लग जाते हैं कि अच्छा कल तो मेरा डायलिसिस है, कल मुझे जाना है, कल मुझे ये करना है। तो एक तो कॉन्शियसनेस, चाहे वो डैड हो चाहे वो मॉम हो, मॉम के दिमाग में भी यही था कि अच्छा कल इसको, इनको इतने बजे जाना है, वहाँ पे वो 4 घंटे बैठेंगे, क्या बनाऊँ, क्या भेजूँ, कैसे हम लोग को हॉस्पिटल में बोलना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग ऑफ लेंगे, मतलब वो आपका प्रोसेस एक पूरा चलने लग जाता है, नॉट ओनली विद दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज बट ऑल्सो द फैमिली हु इज देयर बिसाइड यू।
तो इस प्रोसेस को देख के मतलब हफ्ते में अगर 2 दिन आप ऐसा कर रहे हो तो 2 दिन तो आपके डायलिसिस के प्लस एक एक दिन एक एक बाद वाले दिन तो आपके गए, 4 दिन अगर 7 में से 4 दिन ऐसे हो रहे हैं कि आप लोग सिर्फ डायलिसिस के बारे में सोच रहे हो और मेंटली आप प्रेशर में हो, तो अब तो ज़िंदगी के तो फिर 3 ही हफ्ते के 3 दिन बचे। डायलिसिस के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको मेडिसिन बहुत सारी लेनी पड़ती हैं, आपके खाने पीने का परहेज़ बहुत ज़्यादा होता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि डायलिसिस का एक सेशन यूजुअली 4 घंटे का होता है। अगर आप उसमें हॉस्पिटल आने जाने का टाइम लगाएं, हफ्ते में टिपिकली एक पेशेंट को 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, एक पेशेंट के साथ में 1 या 2 रिलेटिव भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कितना ज़्यादा आप यूज़फुल टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर हम देखें तो भी डायलिसिस कोई सस्ता उपाय नहीं है। ट्रांसप्लांट शुरू में महंगा पड़ता है कि आपको एक साथ ऑपरेशन करवाना है, आपको खर्चा देना पड़ता है, लेकिन अगर 1 या 2 साल बाद की बात करें तो ट्रांसप्लांट ओवर इकोनॉमिकली आपके लिए चीपर ऑप्शन है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयों का खर्चा धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि डायलिसिस में धीरे धीरे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है, दवाइयाँ भी आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करती है, बहुत सारे फूड के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और आपका एक मेजॉरिटी एक्टिव टाइम जो है वो हॉस्पिटल में निकल जाता है। दूसरा प्रॉब्लम डायलिसिस के साथ है कि डायलिसिस के लिए हमें एक वेस्क्युलर एक्सेस चाहिए होता है, मतलब कि ऐसी हमें वेन चाहिए जिसमें से ब्लड स्पीड से निकले, तेज फ्लो से निकले, और हम तेज फ्लो से ही उसको अंदर डाल सकें। इसके लिए हम लोग हाथ में एक एवी फिस्टुला बनाते हैं जिससे कि हाथ की वेन्स मोटी हो जाती हैं और डायलिसिस आराम से हो सकता है, लेकिन एवी फिस्टुलास फेल होते रहते हैं। कभी किसी पेशेंट का बीपी किसी वजह से डाउन हो गया तो फेल हो जाएगा, किसी पेशेंट को फीवर आ गया तो डाउन हो जाएगा, कभी पानी की कमी शरीर में हो गई तो फिस्टुला फेल हो जाता है, एक फिस्टुला फेल हो जाता है तो हमें दूसरा फिस्टुला बनाना पड़ता है, एक फिस्टुला को तैयार होने में करीब 1 महीना लगता है, उस बीच में नेक में लाइन डालनी पड़ती है, तो ओवरऑल मिलाकर के डायलिसिस आपके लिए पेशेंट के लिए बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस है। तो ओवरऑल ये एक प्रोसेस था जहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगा कि वी हैव टू टेक 1 step ahead। हमने डैड को देखा था एंड वी हैव नेवर सीन द पर्सन, द सपोर्ट सिस्टम ऑफ माई फैमिली। मैं उनको ये देख रही हूँ कि ही इज़ गोइंग डल, या उनके चेहरे पे शिकंद है, या फिर उन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वी हैव नेवर सीन हिम लाइक दैट। हमारे सपोर्ट सिस्टम एक ही इंसान रहा है, दैट इज़ आर डैड। तो इट वॉज़ आर डिसीजन कि हमें कैडवर का वेट नहीं करना है। 2 हमने नाम लिखवाया था, इट वॉज ऑन द सेफ साइड, शायद जल्दी मिल जाए, यू नेवर नो। बट हमारा ये था कि हम लोग ट्रांसप्लांट करवाएंगे, वील गो फॉर ट्रांसप्लांट एंड सून। मैंने जब ट्रांसप्लांट का सोचा, मेरे भाइयों ने कहा था हम दे देंगे, तो हमने उनका ब्लड टेस्ट कराया, टिश्यू मैच कराया, तो उनका मैच नहीं हुआ, तब और किसी परिवार वालों से पूछा कि भाई आप देने के लिए तैयार हो, तो सिस्टर राजी हुई, सिस्टर के भी मैच नहीं हुए, तो फिर मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरी 2 बच्चियों ने मुझे राजी किया कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इनका भविष्य क्या होगा आगे, दोनों बच्चियाँ हैं, उसके लिए मुझे सोचना पड़ा, काफ़ी देर सोचा मैंने, कुछ 15-20 दिन, तो फिर हम मैं राजी हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है। डॉक्टर ने मना कर दिया था मेरी किडनी लेने से, मेडिकली कोई इश्यूज नहीं थे, चाहे आप उसमें बोले कि प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज होंगे या आगे की लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, बट द मेन रीज़न कि डॉक्टर ने हमें क्यों मना किया वॉज राजस्थान। हम इस ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों, जो बाहर के लोग हैं वो राजस्थान के बारे में ये समझते हैं कि यहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं पुराने, वो बहुत बैकवर्ड हैं, उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, और ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो आप। उनके दिमाग में ये था कि अगर एक बच्ची जिनकी जिसकी अभी शादी की एज हो चुकी है, वो अगर अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हैं तो उसके आगे शादी नहीं होगी। तो ही सेड क्योंकि आप अपनी बेटी का इतना फोर्स कर रहे हो, तो आई वुड से चाहे पैसे ज़्यादा लगे आई डोंट केयर, बट मैं लेप्रोस्कोपिक करूँगा, क्योंकि स्कार्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और आपकी एक मतलब क्योंकि वो लड़की है तो कहीं उसकी बॉडी में उसको वो शेम फील ना हो कि ओके आई हैव अ बिग स्कार एंड समथिंग लाइक दैट, तो मैं इसलिए आपका लेप्रोस्कोपिक करूँगा। इंडिया में मैक्सिमम डोनर जो हैं फीमेल्स हैं, मदर्स, सिस्टर्स एंड वाइफ्स। अब उनके पेट पे अगर इतना लंबा निशान आता है तो उनके लिए कॉस्मेटिकली भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया का ट्रेडिशनल जो पहनावा है वो है साड़ी ब्लाउज। साड़ी ब्लाउज में अगर आपको इतना बड़ा निशान दिखेगा तो उनकी फीमेल, उनको बड़ा मतलब कष्ट होता है, ख़राब लगता है,
तो लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी का यह है कि पेट पे निशान नहीं आते हैं, जो निशान छोटे आते हैं वो कपड़ों में छुप जाते हैं, दर्द कम होता है, जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, जल्दी काम पे लौटते हैं। तो इन सब की वजह से अब लाइव लोग आगे आने लगे हैं कि नहीं, मेरे घर वाले की, मेरे हस्बैंड की, मेरे वाइफ की या मेरे रिश्तेदार की जिसकी भी किडनी ख़राब है, मैं उसको ठीक करने के लिए अपनी किडनी देना चाहता हूँ। तो लोगों में धीरे धीरे वो डर ख़त्म होता जा रहा है, वो मिथ्स ख़त्म हो रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं 70 साल का हूँ और 91 के अंदर मेरे ब्रदर वीरेंद्र सिंह को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी और कोई विकल्प बचा नहीं था, वो डायलिसिस पे ऊपर चल रहा था और डॉक्टरों ने कहा साहब किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र वो है। आज 29 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है, अपना रूटीन लाइफ में जी रहा हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मेरी उम्र 68 साल है और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुए 29 साल हो गए हैं। ये किडनी की प्रॉब्लम मेरी तो 77 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी ब्लैडर वगैरह इंजर्ड हो गए थे, तो मेरे साल भर में बेड पर रहा था, कैथेटर वगैरह लगातार रहा, जिस वजह से स्टोन बनने शुरू हो गए और उस वजह से मेरी किडनी में ख़राबी आ गई थी। तो पहले तो मैंने यहाँ जयपुर में ही ऑपरेट कराया, किडनी का स्टोन निकलवा दिए, वो 5 साल बाद में फिर दोबारा बन गए और 5 साल बाद में मेरे को किसी ने सलाह दी कि आगरा के पास कोई वो है बाबा, वो किडनी का स्टोन निकाल देता बिना ऑपरेशन के। तो मैं उसके पास गया और उसने ऐसे ही छाछ वाछ पिला के, कोशिश करके, नाटक करके, और उसने 2 पत्थर के टुकड़े डाल के मेरे को दिखा दिए कि आपकी स्टोन निकल गया। तो फिर मैंने जयपुर आके वापस एक्सरे कराया तो उसमें किडनी में स्टोन वहीं का वहीं था। वो फिर वो किडनी डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने पे फिर को डॉक्टरों ने सलाह दी कि इसका ट्रांसप्लांट होएगा और कोई इलाज नहीं है। जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने मेरे को किडनी दी एक, जिससे मैं आज तक चल रहा हूँ। राजस्थान में या हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है। स्टोन डिजीज़ में हमारे देश में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि कुछ ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं या देसी दवाइयां हैं, उनसे स्टोन कट जाता है, पिघल जाता है। एक स्पेशल टाइप का स्टोन होता है, उसको छोड़ करके ऐसी कोई दवाई नहीं है जो स्टोन को पिघला सके या काट सके। लेकिन वो स्पेशल टाइप का स्टोन बहुत कम लोगों में, शायद less than 2% लोगों में वो स्टोन होता है, बाकी 98% लोगों को इस तरह की पथरी होती है जिसके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होता है। तो अगर आपकी पथरी बड़ी है और वो रुकावट कर रही है, आपको लगातार दर्द रह रहा है, सिम्टम हो रहा है, तो आप उस पथरी का ऑपरेशन करवाएं। आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें चीराफाड़ी नहीं होती है, बिना चीराफाड़ी के, बिना तकलीफ के पथरी निकल जाती है और आप अपनी किडनी को सेफगार्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं 32 साल का हूँ। मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक करने के बाद मैं जॉब कर रहा था, बहुत बढ़िया स्मूथ लाइफ चल रही थी। एक दिन बाइक से जब मैं जॉब से घर के लिए आ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे लगा कि एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उन्होंने मेरा बीपी चेक करके मुझे बोला कि साथ में कौन आया है। मैंने कहा कोई नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को 2 मेडिसिन दी, देख के बोला कि एक बार लेट जाओ, आराम करो, 10 मिनट बाद में बात करते हैं। 10 मिनट बाद में जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने पूछा सर बात बताएं मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है तुम 220 पे आए हो, बीपी तुम्हारा 220 आया है, हमारी मेडिकल साइंस में 200 से प्लस पे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अकेला आदमी नहीं आ सकता। तो जब चेकअप कराया डॉक्टर ने तो उसमें निकला कि मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। किडनी फेलियर किस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये किडनी फेलियर का मुख्य कारण है। वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर यूजुअली मिडिल एज के बाद अफेक्ट करते हैं, तो किडनी फेलियर का भी पीक एज मिडिल एज के बाद ही होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो यंग एज में या बच्चों में किडनी फेलियर हो जाता है। बच्चों में अगर कुछ कंजेनाइटल एनोमली है, कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ उनका किडनी का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ है या यूरिन का जो ट्रैक्ट है उसके फ्लो में कहीं रुकावट है, तो बाय बर्थ ही उनको किडनी की प्रॉब्लम होती है जिसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए
अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है और ऑपरेशन नहीं कराया जाए तो बच्चों की किडनी भी परमानेंटली फेल हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, हमें हमारी फैमिली से मिलती हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं जिनके लिए कोई कारण नहीं है, वो बस हो जाती हैं उनका, लेकिन कुछ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ का नहीं अवेलेबल। एंड पॉइंट ये है कि किडनी अगर एक बार परमानेंटली फेल हो गई तो हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ही करवाना पड़ेगा। एक बार को तो लगा कि जीवन अब खत्म ही हो गया, जिंदगी थम सी गई है, क्योंकि पता ही नहीं था, कभी सुना भी नहीं था कि किडनी फेल होना क्या होता है, क्या करते हैं इसमें। बाद में फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिला तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस जब आप करा रहे होते हैं तो आप पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि आप बॉडी में अपनी में लिक्विड इनटेक करोगे तो आउटपुट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूरिन आपको आ ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम होती है, तो आप पानी नहीं पी सकते। सीधा लेटना मैं भूल गया था, क्योंकि लिक्विड बॉडी में परमानेंट रहता था, मुँह में से बदबू आती थी। डायलिसिस बहुत गंदी प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है जिससे आप वापस से एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए जिस दिन मेरे जीजाजी ने मुझे बोला कि तू, हमने बहुत छोटा सा हमारी गोद में देखा है, तुझे मरते हुए नहीं देख सकते हम। उस दिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जिस दिन मेरे जीजाजी मुझे बोले कि बेटा तू बहुत छोटा सा, जब हमारी शादी हुई थी हमने तू गोद में खिलाया है, हम तुझे मरते हुए नहीं देख सकते, तेरी बहन तुझे किडनी देगी। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, जिंदगी में कुछ अब हो सकता है। मेरी बहन ने मुझे किडनी दी, हमारा ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट होने के बाद में सबसे पहले मैं यही सोच रहा था, जब मैं बेड पर लेटा हुआ था तो मुझे मेरे डॉक्टर ने थप्पड़ दे के आँख मेरी खोली। तो ट्रांसप्लांट के बाद में मेरे दो क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही आया कि सर मुझे यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यूरिन आने का जो फील जो होता है ना, वो डायलिसिस के दौरान मैं भूल गया था कि वो फील कैसा होता है, क्योंकि यूरिन आता ही नहीं था। तो मैं चाह रहा था कि वो फील मुझे वापस से आए और मुझे पता लगे कि हाँ ठीक है, मैं सही हूँ। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर ने मुझे मेरा यूरिन बैग ऊपर उठा के देखा कि देख, यूरिन आ नहीं रहा, बहुत तेज़ आ रहा है, लगातार तू कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये था कि सर मेरी बहन कैसी है। फिर मेरी बहन मेरे सामने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो दिन था, उसके बाद मेरे लगा कि मुझे अब वापस से मेरी लाइफ जीनी है, बहुत अच्छे से जीनी है। उस दिन से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, भगवान की दया से और सभी बड़ों के आशीर्वाद से मुझे 5 साल से ऊपर हो गए, मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुए, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। जब ट्रांसप्लांट के बाद में जब मैं पहली बार सीधा लेटा, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद सब कुछ मैंने पा लिया है। अब उसके बाद में मेरी नॉर्मल लाइफ हो गई, बिल्कुल अच्छा रूटीन चल रहा था। बट बार बार कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिमाग में कौंध रहा था कि कोई लड़की मेरी शादी करेगी या नहीं करेगी। काफ़ी लोग तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते थे कि किडनी ट्रांसप्लांट मतलब आपकी कोई किडनी नहीं है। लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेसिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ट्रांसप्लांट क्या प्रोसेस है? ट्रांसप्लांट होता है कि एक हेल्दी डोनर है, आपका रिलेटिव है, लीगली परमिटेड जो है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनकी परमिशन मिल जाती है, उनसे हम किडनी निकालते हैं, एक किडनी निकालते हैं और आपके शरीर में लगाई जाती है। वो किडनी बिल्कुल आपकी नेचुरल किडनी की तरह ही काम करती है, बिल्कुल वही 24/7 उसका ब्लड बनाने का काम भी करेगी, आपकी बोन को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, आपके विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करती है, और जो मेन काम है ब्लड को फिल्टर करने का वो तो करती ही है, वो 24 आवर आपका काम करती है। तो आपकी हॉस्पिटल की विजिट्स कम हो जाती हैं, आपका खाने पीने का रेस्ट्रिक्शन हट जाता है, आपकी दवाइयाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं, और आपकी क्वालिटी और क्वान्टिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़ जाती हैं। बट लकीली मुझे एक एजुकेटेड नहीं, वेल एजुकेटेड लड़की मिली। मेरा नाम दिव्या शर्मा है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। बाय प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 6-6.5 साल से मैं हेल्थ बीट देख रही हूँ। अमित शर्मा मेरे हस्बैंड का नाम है और 3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई उनसे। 5 साल हो गए उनकी किडनी को ट्रांसप्लांट हुए, और शादी से पहले भी मुझे पता था कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है। किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी होने के बाद अगर किडनी डैमेज हो जाए और फिर ट्रांसप्लांट हो तो भी नॉर्मल है। पहले ट्रांसप्लांट है और अब शादी हुई है तो भी नॉर्मल है। तो खैर, आज भी अब हमें 3 साल हो गए हमारी शादी को, हमारी लाइफ दोनों की बहुत नॉर्मल चल रही है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि लोगों के दिमाग में कि मतलब संशय रहता है कि
हमारा बच्चा होगा या नहीं होगा, किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद ये दिमाग में रहता है कि हमारा बच्चा होगा या नहीं होगा, हमारी लाइफ आगे चलेगी नहीं चलेगी। तो मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम दोनों की एक बेटी है बहुत प्यारी सी, उसका नाम भी हमने मौलिका रखा है और वो अब 2 साल की हो जाएगी। ऑर्गन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम खाली किडनी की बात करें तो हमें इंडिया में करीब करीब हर साल 15,000 ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और हम सब कुछ मिला करके करीब 5,000 ट्रांसप्लांट करते हैं। 10,000 पेशेंट हर साल हमारे ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है लेकिन ऑर्गन शॉर्टेज की वजह से उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में या तो सूटेबल डोनर नहीं है या कुछ देना नहीं चाहते हैं या कोई और कंडीशन है। तो कैडेवरिक जो ब्रेन डेड डोनर प्रोग्राम है वो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। साउथ में काफ़ी डेवलप्ड है, तमिलनाडु में, केरला में, गुजरात में काफ़ी डेवलप्ड है, महाराष्ट्र में थोड़ा है, पर हमारा नॉर्थ इंडिया इस मामले में काफ़ी लैकिंग है। राजस्थान में अब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है लेकिन काफ़ी अभी इसमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, दैट्स इट। आज 29 साल से मैं और मेरा भाई दोनों स्वस्थ हैं, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि किडनी डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही सोच के मैंने हाँ करी थी कि सपोज अभी मेरे सामने ये पता है मुझे कि इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो रखी है और सपोज शादी के बाद अगर ये सिचुएशन होती तो मैं क्या करती। भगवान ने हमें 2 किडनी दी हैं, उसका एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो हमें दूसरी किडनी का सपोर्ट रहता है और अगर हमारे पास दोनों किडनी हैं तो शायद हम किसी और आदमी का हेल्प कर सकते।